Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Yes friends, today we are starting with the meaning and concept of frauds. Let's start. Guys, सबसे पहला फ्रॉड होता है क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझ लो गाइस, फ्रॉड है ना एक अनइंटेंशनल मिस्टेक है. कौन सा मिस्टेक है? इंटेंशनल. फ्रॉड जानबूझ के किया जाता है, ठीक है? फ्रॉड जानबूझ के किया जाता है. फ्रॉड कोई भी लेवल पे हो सकता है. फ्रॉड बाय मैनेजमेंट, फ्रॉड बाय एम्प्लॉई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी फ्रॉड करे उसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉड. तो एज अ ऑडिटर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पे हम बात करने वाले टॉपिक में. तो सबसे पहला तो ये लोग ने फ्रॉड को डिफाइन किया. आप देख सकते हो गाइस, फ्रॉड कौन सा मिस्टेक है? एक इंटेंशनल मिस्टेक है. कौन सा मिस्टेक है? एक इंटेंशनल मिस्टेक है. वेरी क्लियर है गाइस? यस. फ्रॉड गाइस, फ्रॉड जो है ना बेसिकली देखा जाए तो फ्रॉड के नाम इंटेंशनल मिस्टेक. वेरी क्लियर है? यस. तो फ्रॉड इज अ इंटेंशनल मिस्टेक. हम देखने जा रहे हैं SA 240 ने फ्रॉड को डिफाइन किया. SA 240 दैट इज ऑडिटर और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ऐसे का नाम है. वो क्या बोलता है? क्लियर कट बोलता है सर, क्लियर कट बोलता है. देखो, हमने एक वीडियो में एक क्वेश्चन किया था, आपको याद है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, दो ऑब्जेक्टिव्स था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स. हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ओपिनियन देना होता है, हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स जो होता है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड. याद आ रहा है कुछ? यस. तो फ्रॉड हमारा ऑडिटर का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स है. जो हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स है वो मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है. तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रॉड ना हो. मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कंपनी के अंदर प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया जाए. तो हम स्लाइड से देख सकते गाइस. पहले तो सबसे पहले आप फ्रॉड का डेफिनेशन देख रहे हो. फ्रॉड का मतलब क्या? फ्रॉड इज अ इंटेंशनल मिस्टेक होता है. कौन सा मिस्टेक है? इंटेंशनल, जानबूझ के किया जाता है गाइस, जानबूझ के. यस, एसए 240 ने डिफाइन किया है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग फ्रॉड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हमारा काम होता है चेक करना. जरा समझो सर, फ्रॉड मैनेजमेंट से हो सकता है, उसके एम्प्लॉई से हो सकता है, उसके स्टाफ से हो सकता है, या एनीबॉडी ऑर्गेनाइजेशन के में से किसके पास से भी फ्रॉड हो सकता है. जरा समझो अच्छी तरीके से एक बार. आगे उसमें एक आप हेडिंग देख रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रॉड. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रॉड में पहला पॉइंट क्या गाइस? फ्रॉड आप देख रहे हो, वेरी क्लियर है, फ्रॉड इज इंटेंशनल मिस्टेक. उसके बाद हम लोग उसका लॉजिकल दो पार्ट देख रहे हैं एकदम, ठीक है? दो पार्ट, एक तो हम लोग देख रहे गाइस फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और दूसरा पार्ट हम देख रहे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट. राइट ना? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है, थोड़ी देर बाद मैं आपको डिटेल में बात करता हूँ, ठीक है? हम लोग बात कर रहे हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स. गाइस, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट, मिस अप्रोप्रिएशन मतलब चोरी करना. राइट ना? दो तरीके से की जाती है, एक तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश और एक तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स. ये रहा फ्रॉड के बारे में. अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं फ्रॉड का. फ्रॉड के एग्जांपल्स क्या गाइस? फ्रॉड के एग्जांपल्स है, जरा समझो अच्छे से, जरा अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना गाइस. फ्रॉड के क्या एग्जांपल्स है, फ्रॉड क्यों की जाती है, फ्रॉड के पीछे कुछ रीजंस होता है. एक तो इंसान का पर्सनल गेन होता है, दूसरा उसको इंटरनल कंट्रोल इतना वीक लगता है इससे वो फ्रॉड कमिट कर रहा है. राइट ना? एक तो उसका पर्सनल गेन है, मनी के लिए फ्रॉड कर रहा है, दूसरा इंटरनल कंट्रोल उसका वीक लग रहा है इसलिए फ्रॉड कर रहा है. आप वो तीसरा पॉइंट उसके अंदर एग्जांपल्स में देख सकते हो. एक तो इंसान का डिसऑनेस्ट एक्ट होता है इसे वो फ्रॉड कमिट कर रहा है. तो गाइस हमने क्या देखा है वीडियो में, हमने देखा फ्रॉड के बारे में. फ्रॉड क्या होता है एक, राइट ना, एक फ्रॉड के बारे में देखा. फ्रॉड इज अ इंटेंशनल मिस्टेक. और एक चीज याद रखना, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड इज मोर डिफिकल्ट देन डिटेक्शन ऑफ एरर. फ्रॉड को पकड़ना काफी टफ होता है कंपेयर टू एरर. वेरी क्लियर है? बिकॉज जो पर्सन फ्रॉड करेगा ही ऑलवेज ट्राई टू छुपाने की कोशिश करेगा. वेरी क्लियर है गाइस? तो हमने इसमें मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रॉड देखा. यस, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, दैट इज ईकेडा. थैंक यू सो मच.